ब्रांडेड कपड़ों की क्वालिटी वो भी किफायती दामों में। लास्ट चॉइस कंपनी द्वारा ईद हो या दिवाली खरीदारी नहीं पड़ेगी जेब पर भारी। भिवंडी में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिटेलर और होलसेल सब एक ही जगह पर। टी शर्ट 99, शर्ट 199, जीन्स 499 में, और साथ ही साथ 3000 की शॉपिंग पर मिलेगा गिफ्ट वाउचर और 5000 की शॉपिंग पर मोबाइल के लिए लकी ड्रा। रमजान ईद के धमाकेदार ऑफर का लाभ उठाने के लिए एक बार विजिट कीजिए लास्ट चॉइस एंड कंपनी, एड्रेस समनगढ़ना का सुप्रीम होते के पास भिवंडी। रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय उपवास रखकर इबादत करते हैं, वहीं जगह जगह दावत इफ्तार का आयोजन भी किया जाता है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के युवा अध्यक्ष महबूब से भिवंडी शहर अपने काफिले के साथ पहुंचे। खासकर भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा कार अध्यक्ष हारून खान के दावत इफ्तार में। इस इफ्तार दावत में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के साथ हिंदू समुदाय भी दिखाई दिया, और इस एकता की तस्वीर को देखते हुए महबूब शेख ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। क्या कहा आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन इस इफ्तार पार्टी की झलक देखते हैं, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा कार अध्यक्ष हारून खान आए हुए सभी मान्यवरों का स्वागत कुछ देख भेंट कर सम्मानित किया। तो वहीं एनसीपी प्रदेश युवा अध्यक्ष महबूब शेख, समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय यादव, भिवंडी शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू, युवा अध्यक्ष आसिफ खान, कार अध्यक्ष हारून खान, प्रदेश युवा महासचिव अजीज झा, भिवंडी शहर प्रवक्ता उमेश अग्रवाल, प्रदेश सचिव वीरू वाघमारे, पूर्व नगर सेवक मतलब सरदार हसनैन फारूकी, आरिफ खान, अनीस मोमिन, याकूब शेख, नसरुल्ला अंसारी, तकवीन आजमी उर्फ गुड्डू, साकिब मोमिन, रैयान मोमिन, महबूब सिद्दीकी, अमीर सिद्दीकी, नवीद शेख, मुजाहिद शेख उर्फ मूसा, सरफराज शेख, मुस्लिम अंसारी, जर्नील मामा, अफसर खान, कई मान्यवर उपस्थित थे और मान्यवरों ने अपना विचार प्रकट करते हुए क्या कहा देखिए। महबूब भाई, क्या कहेंगे आप, आपका आज भिवंडी में आगमन हुआ और जिस तरह से सरकार पार्टी में लोगों का भी एक जमावड़ा देखने को मिला, उद्देश्य क्या है और क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे राष्ट्रवादी युवक के भिवंडी शहर के कार्याध्यक्ष अरुण भाई, इन्होंने इफ्तार की प्रोग्राम यहाँ पर रखा और इसी प्रोग्राम के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। काफ़ी बढ़िया और शानदार प्रोग्राम इफ्तार का अरुण भाई ने रखा, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रमज़ान के पाक महीने में रोज़दारों के लिए इफ्तार का उन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम रखा, और इस इफ्तार के प्रोग्राम में जैसा गुड्डू भाई ने कहा कि भिवंडी शहर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा काफ़ी अच्छी तरह से, वो भाईचारा मुझे आज यहाँ देखने को मिला। मुस्लिम भाइयों के साथ हिंदू भाई भी बड़ी तादाद में यहाँ पर इफ्तार के प्रोग्राम में शरीक हुए, और मैं हारून भाई और उनके पूरे टीम का यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा इफ्तार का प्रोग्राम रमज़ान के पाक महीने में रखा, इसलिए मैं उनका महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। महबूब भाई, एक सवाल ये रहेगा, जिस तरह से देखा गया कि अभी कुछ दिन, दो दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से अब राज्य की पार्टी बनी, इस पर आपके क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि आप देख रहे हैं, जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, फिर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो, इन पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा कम किया है। चार राज्यों में पार्टी का, वहाँ पर पार्टी के आमदार या खासदार होना चाहिए, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र में है, केरला में है, नागालैंड में है, लक्षद्वीप में हमारे एमपी है मोहम्मद फैजल साहब, ऐसा होते हुए भी उन्होंने हमारा दर्जा रद्द किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा डर राष्ट्रीय स्तर पर लगता है, पवार साहब से ज़्यादा डर लगता है, इसलिए उन्होंने ये काम किया। आपने देखा कि चुनाव आयोग को लेकर जो शिवसेना थी, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, वो शिवसेना भी किस तरह से निकाल कर एकनाथ शिंदे के पास दी, यानी चुनाव आयोग ये किसके इशारे पर काम कर रहा है ये पूरे देश की जनता देख रही है। मगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब ने कहा है कि हम दिन रात और मेहनत करेंगे और फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए चार नहीं तो आगे के 10 राज्यों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के MLA और MP चुन कर लाएंगे, और महाराष्ट्र में भी बहुत ताकत से
एमएलए और एमपी आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जीतने के लिए हम सब राष्ट्रवादी युवक के कार्यकर्ता ये कोशिश करेंगे। इफ्तार दावत से एक संदेश जाता है, लोगों को जोड़ने का, मोहब्बत का एक पैगाम जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं महबूब भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि उनका शेड्यूल इतना टाइट होने के बाद भी, क्योंकि उनको पूरे प्रदेश का दौरा करना रहता है, और उसके बाद भी इस इफ्तार दावत में वो भिवंडी शहर में आए और अपने युवाओं को ताकत देने का जो काम करते हैं, मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूँ कम है। आज महबूब भाई युवाओं में एक मिसाल है, जिस तरीके में आज महाराष्ट्र में आज युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शहर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे मीडिया के मार्फत कि हर कोई भी मुद्दा आता है, आंदोलन, धरना, मोर्चा, आंदोलन करके वो काम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं आज युवा महबूब भाई से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते चले जा रहे हैं, और ख़ासकर महबूब भाई का काम एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ध्यान रहता है, लोगों का ज़्यादा उस पर ज़्यादा काम करते हैं। और आज भिवंडी शहर में भी युवा पीढ़ी आज बहुत मजबूत है और काम कर रही है। बस महबूब भाई का हाथ उनके ऊपर चाहिए और उनकी दुआ हमारे साथ रहे, और हम लोग भी महबूब भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। आज सबसे पहले तो मैं ये जो अफ्तारी का प्रोग्राम हुआ हमारे आनंद होटल के पास में, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर महबूब भाई शेख, जो महाराष्ट्र राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे भिवंडी शहर अध्यक्ष शोएब भाई गुड्डू, इनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और जो नगर सेवक लोग और जो राष्ट्रवादी के पदाधिकारी है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ इस मीटिंग को, इस अफ्तारी के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। मंतसा इलेक्ट ये जो बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट है, ये जो हमारे आस बीबी के टोटल नौजवान हमारे पूरे एरिए के वो, और जो खास करके जिन लोगों ने भी हमको इस प्रोग्राम में सपोर्ट किया उसका मैं आज का राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर जिला की तरफ से हमारे प्रदेश के युवक अध्यक्ष महबूब शेख साहब आए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शोएब गुड्डू साहब आए भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो मेरे साथ सुबह से शाम तक पूरी टीम आज थी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हीं की वजह से आज अफ्तार पार्टी मेरी कामयाब हुई और शहर में अच्छा मैसेज गया।